सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का फ्लो रेट कितना हैवी होता है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, किसी भी फीमेल की पीरियड साइकिल की जो डे साइकिल है वो 21 से 35 दिन के बीच में होती है। अगर इसकी एवरेज निकालें तो 28 दिन होती है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल का जो डे साइकिल है वो 28 दिन का है और जिस दिन आपको पीरियड ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो आपका डे वन होता है, जिसे CD1 बोलते हैं। तो CD1 जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और ये ब्लीडिंग 4 से 5 दिन तक होती है। आगे चलते हैं। 14वें से 16वें दिन के बीच में ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन है उस टाइम पर फीमेल की ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में इन टाइम पर, मतलब कि 14वें से 16वें दिन के बीच में अगर आप रिलेशन बनाती हो तो कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं। CD18 to CD20, मतलब कि पीरियड साइकिल के 18वें से 20वें दिन अगर आपने रिलेशन बनाया उस टाइम, तो एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब कि 18वें से 20वें दिन फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन के होने के बाद ये जो एग है ये आपके यूट्रस में पहुंचता है, मतलब कि बच्चेदानी के अंदर पहुंचता है, मतलब कि पीरियड साइकिल के 24वें से 26वें दिन के बीच में आपको इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग ही आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है। अब फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किस प्रकार की होती है और उसका फ्लो रेट कैसा होता है। तो गाइस देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसी होती है देखने में, पहले तो हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको ब्राउन कलर की, रेड कलर की या फिर पिंकिश कलर की या फिर ऑरेंज कलर की देखने को मिल सकती है। ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको किस टाइम पर हुई और कितने टाइम पर वो आपके शरीर के अंदर रही और किस टाइम पर वो शरीर से बाहर निकली। समझ नहीं आया तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 26वें दिन हुई, ठीक है, और वो साथ की साथ आपके शरीर से बाहर निकल रही है, तो आपको जो ब्लीडिंग है वो लाइट रेड कलर की या फिर डार्क रेड कलर की देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर जो ब्लीडिंग है वो हो रही है और आपके बॉडी में वजाइनली डिस्चार्ज है या फिर सर्वाइकल म्यूकस प्रेजेंस है, तो वो उसके साथ मिलके आपको पिंकिश कलर की या फिर ऑरेंज कलर की देखने को मिलेगी। स्टिल अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई और वो आपके शरीर में ही है, बाहर नहीं निकली किसी वजह से, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण आपको जब वो बाहर निकलेगी तो वो आपको डार्क चॉकलेट कलर की, ब्राउन कलर की देखने को मिल सकती है। आगे बात करें कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितनी हैवी होती है। तो गाइस देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितनी हैवी होती है उसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा कि इम्प्लांटेशन का मतलब है रोपण। मतलब क्या है कि जब फर्टिलाइज एग आपकी यूट्रस में इम्प्लांट होता है, मतलब ये है कि यह आप बच्चेदानी की अंदर की लेयर समझ लीजिए, जब जो फर्टिलाइज अंकुरित बीज है जब जमीन में बोया जाता है तो एक गड्ढा खोदा जाता है, ऐसे ही जो फर्टिलाइज एग है जब वो आपकी बच्चेदानी में जाएगा और इम्प्लांट होगा तो कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं मदर के, वो रैप्चर हो जाते हैं और फिर जब वो टिश्यूज आपके शरीर से बाहर निकलते हैं तो वो ब्लीडिंग के रूप में आपको दिखते हैं। तो ये इतनी नहीं होती है जितनी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको स्पॉटिंग के रूप में देखने को मिल सकती है, लेकिन कई फीमेल्स की बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। कईयों को थोड़ा ज़्यादा स्पॉटिंग होता है, कईयों को पहले दिन स्पॉटिंग होता है, जैसा आपको पीरियड के पहले दिन महसूस होता है, फिर सेकेंड डे पर ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्लाइटली इंक्रीज होती है हल्की क्रैम्पिंग के साथ, और डे थर्ड पर फिर स्पॉटिंग होकर बंद हो जाती है। कई लोग इसको अपना पीरियड साइकिल का डे भी समझ लेते हैं क्योंकि ये नियरली अबाउट आपके पीरियड्स के ड्यूरिंग ही होती है।
लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इतनी नहीं होती जितनी आपको आपके पीरियड साइकिल में होती है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इसमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पैड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई फीमेल पैड को यूज़ भी करती है तो उसमें आपको स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। इम्प्लांटेशन में आपको सिर्फ ओनली स्पॉट देखने को मिलेगा, और अगर आपने पैड यूज़ नहीं किया तो आप जब वाइप आउट करोगे तो आपको उसमें कुछ स्पॉट, कुछ सर्वाइकल म्यूकस या वजाइनली डिस्चार्ज के साथ आपको रेडिश कलर की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जैसा मैंने आपको कंडीशन बताई उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कुछ केस स्टडीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रेगुलर 7 to 12 डेज तक होती हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस हैं। नॉर्मली जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो 24 से 72 घंटे तक ही होती है, और ये आपको 24वें से 26वें दिन के नियरली अबाउट देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेकंड थिंग कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मोर देन 3 डेज से हो रही है स्पॉटिंग टाइप की, तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। स्टिल अगर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड पॉजिटिव है और स्टिल आपको ब्लीडिंग हो रही है और इसका जो फ्लो रेट है वो भी आपके पीरियड साइकिल जितना या फिर उससे ज़्यादा है, तो भी ये खतरे वाली बात है और इसके रिगार्डिंग आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यूजली जैसा मैंने आपको बताया कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है उसमें फ्लो रेट इतना नहीं होता कि आपको पैड यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़े, तो अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मोर देन 3 डेज से ज़्यादा हो रही है और उसमें आपको पैड भी लगाने पड़ रहे हैं और पैड पूरी तरह से गंदे भी हो रहे हैं, फ्लो रेट भी पीरियड्स जितना है और प्लस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड भी पॉजिटिव है, तो ये एक खतरे वाली बात है। इसके रिगार्डिंग आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और स्टिल अगर आपको स्पॉटिंग ही हो रहा है और ये स्पॉटिंग होकर 3 दिन तक होकर रुक गया, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से आप टेस्ट कीजिए, और अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आप दोबारा से 3 दिन के बाद टेस्ट कीजिए। अगर उसमें जो सेकंड लाइन है वो फेंट लाइन से डार्क होती हुई नज़र आ रही है, तो स्टिल आप प्रेग्नेंट हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और आपको स्पॉटिंग ही हो रही है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपने कोई हार्मोनल पिल ली है या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है या फिर कई अदर मेडिकेशन हैं जो आपको स्पॉटिंग कॉज कर सकती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको जो आपका फर्टाइल टाइम पीरियड था वहाँ पर आपने रिलेशन बनाया कि नहीं, और फिर आपको जो ये ब्लीडिंग है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या फिर किसी अदर इशू के कारण हो रही है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से या फिर हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप कंसल्टेशन नंबर फ्लैश शो हो रहा होगा, और ये एक पेड कंसल्टेशन नंबर है, और इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से इसके रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।